प्रथम तहलका न्यूज। सिद्धू की पतंग तो कट गई, अब देखना ये होगा कि उसे लूटता कौन है। कुछ इसी तरह के व्यंग भरे शब्दों के साथ मंत्री अनिल विज ने नवजोत सिद्धू पर कटाक्ष किया है। दरअसल बीते दिनों कांग्रेस के सीएम चेहरे का ऐलान करते हुए चरणजीत चन्नी को प्रत्याशी बनाया गया, तो वहीं इस मामले पर मंत्री अनिल विज ने सीधे सीधे नवजोत सिद्धू पर ही तंज कस डाला। चन्नी को सीएम पद का कैंडिडेट घोषित करने को कांग्रेस का अंदरूनी मामला बताते हुए नवजोत सिंह सिद्धू पर निशाना साधा। अनिल विज ने कहा कि राहुल गांधी किसी प्रदेश में किसी को भी सीएम पद का कैंडिडेट घोषित करते हैं, ये उनका अंदरूनी मामला है, लेकिन इतना तो तय है कि सिद्धू की पतंग तो कट गई, अब देखना ये होगा कि उसे लूटता कौन है। किस प्रदेश में किसको मुख्यमंत्री का कैंडिडेट डिक्लेयर करें, ये उनका आंतरिक मामला है। और सोचने की बात तो ये है कि इसका मतलब कि सिद्धू की पतंग तो कट गई, अब देखते हैं कि उसको कौन लूटता है। अनिल विज ने कांग्रेस में नवजोत सिद्धू के अस्तित्व पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि सिद्धू कांग्रेस में रहकर ही ऐसे बयान देते थे मानो वे ही सीएम का चेहरा होंगे, लेकिन कांग्रेस ने तो नवजोत सिद्धू को झटका देते हुए चन्नी को ही सीएम चेहरे के तौर पर आगे कर दिया। देखने वाली बात होगी कि इन सब के बीच में अब नवजोत सिद्धू का अगला कदम क्या होगा। प्रथम तहलका के लिए चंडीगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट।